सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक पुलिस ऑफिसर की तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन तस्वीर वायरल होने के पीछे की वजह पुलिसिया कार्रवाई नहीं बल्कि एक सुंदर चेहरा है। दावा है ये खूबसूरत चेहरा पंजाब पुलिस की SHO का है, लेकिन तस्वीर का सच क्या है यह अगले 2 मिनट में साफ हो जाएगा। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक पिछले कुछ दिनों में ये सबसे ज्यादा शेयर की जाने वाली तस्वीर है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तस्वीर की चर्चा है और चर्चा का कारण है ये खूबसूरत चेहरा और इस चेहरे की पहचान। दावा है कि ये पंजाब पुलिस की SHO हरलीन कौर हैं। और जब सोशल मीडिया पर लोगों ने वर्दी में इतनी खूबसूरत महिला पुलिस को देखा तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लोगों ने क्या क्या लिखा ये देखिए। ट्विटर पर इंद्र कुमारी ने लिखा, पंजाब पुलिस की हरलीन मान से गिरफ्तार होने के लिए सब लाइन में खड़े हैं। वहीं शिवेंद्र लिखते हैं, SHO हरलीन मान के लिए मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर जहाँ भी देखेंगे ऐसे ही कमेंट्स के साथ इस तस्वीर को लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये पंजाब पुलिस की कोई पुलिस ऑफिसर ही है या कहानी कुछ और है? हमने पड़ताल की तो सामने आया तस्वीर का पूरा सच। गूगल इमेज सर्च पर जब इस महिला की तस्वीर को डाला गया तो इस महिला की पहचान हरलीन कौर नहीं बल्कि कायनात अरोड़ा के तौर पर हो रही थी। और ज्यादा जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये तस्वीर मॉडल और अभिनेत्री कायनात अरोड़ा की है, जिन्होंने ग्रैंड मस्ती और खट्टा मीठा जैसे बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। लेकिन अगर आप अब भी सोच में पड़े हैं कि ये अभिनेत्री है तो भला इनकी तस्वीर पंजाब पुलिस के SHO के नाम से क्यों वायरल हो रही थी, तो इसका जवाब खुद कायनात अरोड़ा से ही सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कायनात अरोड़ा और मेरा जो रोल है हरलीन मान का फ्रॉम द फिल्म जग्गा जियोंदा है, जहाँ मैं SHO का रोल निभा रही हूँ, SHO का किरदार निभा रही हूँ फिल्म के अंदर, वो काफी वायरल हो गया। मैं कोई रियल लाइफ हरलीन मान नहीं हूँ। ABP न्यूज को ये वीडियो भेजने से पहले कायनात अरोड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस बारे में सफाई पेश की। कायनात सोशल मीडिया पर उनके तस्वीर को लेकर जो कमेंटबाजी चल रही है उससे काफी परेशान हो चुकी हैं। इसीलिए हमारी पड़ताल में पंजाब पुलिस की SHO का दावा झूठा साबित हुआ है। इसीलिए आपसे अपील है कि शेयर करने से पहले थोड़ा सतर्क रहें।